अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वॉर वन जब एंड हो रही है तो इमीडिएटली बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड ऑटोमन, इनके साथ किस तरह का एग्रीमेंट किया जाए, हाउ टू ट्रीट दीज थ्री कंट्रीज, इस पर हमें विक्टर पार्टी उसमें काफी डिफरेंसेस नजर आते हैं। फॉर इंस्टेंस फ्रांस का ख्याल था कि काफी हार्श पीस एस्टैब्लिश करना चाहिए। जर्मनी उसको इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी एंड मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी जर्मन्स मस्ट सफर, सही। प्लस फ्रांस को इनसिक्योरिटी भी थी कि सिंस 1814 फाइव टाइम्स जर्मन्स इन्वेडेड फ्रांस, तो फ्रांस की ख्वाहिश थी कि जर्मन्स को ऐसे ट्रीट किया जाए कि आइंदा के बाद ये कभी हमारे पे हमले की जरूरत ना करें। दूसरी तरफ ब्रिटेन का ये ख्याल था कि जरा बहुत ज्यादा भी सीवियर एग्रीमेंट पीस का ना हो, जर्मनी को रिकवर करना चाहिए। जर्मनी मस्ट प्ले अ रोल इन यूरोपियन पॉलिटिक्स। प्लस ये कि नो डाउट फ्रांस हमारा अलाय पार्टनर है, बट अगर जर्मन्स को मुकम्मल कॉर्नर्ड कर दिया गया ना जी, तो फ्रांस को तो पूरे यूरोप को डोमिनेट करने की उसकी पोजीशन बन जाएगी, और ऐसा ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं चाहता कि यूरोप में एक बैलेंस रहना चाहिए। तीसरा कंट्री यूएसए, यूएसए एक लीनियंट पीस चाहता था, सही जी। विड्रो विल्सन वो समझता था कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये जर्मनी पर ही है कि जर्मन ने वॉर शुरू करवाई है बेसिकली, तो एक जस्ट पीस होना चाहिए, यानी जर्मन्स पर जुर्माना लगना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक लीनियंट कॉन्टेक्स्ट में, सही। सो तीन बड़ी स्टेट्स के ये
व्यू था जिसमें हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन करीब करीब है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के जो यूरोपियन पॉलिटिक्स के का व्यू है वो ज़्यादा यूएसए का नहीं है, क्योंकि यूएसए यूरोपियन पावर तो नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल ही पैदा होता है कि ऑस्ट्रिया और ऑटोमन को लेके इनके व्यू सामने क्यों नहीं आए, क्योंकि ये समझते हैं कि ट्रबल मेकर जर्मनी है। जर्मन फॉरेन पॉलिसी वो जिम्मेदार है वॉर की। ऑस्ट्रिया ऑटोमन तो ऑलरेडी वीक थे, जंग ने उन्हें बिल्कुल ही वीक खत्म कर दिया। तो ऐसी कोई कैपेसिटी अगर यूरोप में दोबारा बनती है कि कौन यूरोप के पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, तो वो तो भाई जर्मन से सही। खैर, जो जर्मनी के साथ एग्रीमेंट हुआ उसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साय, लिखने में वर्सायलेस लेकिन पढ़ने में वर्साय। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने किया था तब भी पता ना वर्साय किंग का महल वर्साय में था, पेरिस से थोड़ा से फासले। तो ट्रीटी ऑफ वर्साय, ट्रीटी ऑफ वर्साय में पहले तो जो टेरिटरी जर्मन्स ने लूज की, दे लॉस्ट कर ले इन यूरोप। जरूरी नहीं आप सारी सारी याद रखें, बस दो तीन मेजर अगर याद रखें तो जैसे अल्सासे एंड लोरेन, ये इलाके फ्रांस को मिल गए जर्मनी से लेके, सही। फिर इसी तरह शेलस्विग का इलाका डेनमार्क को मिल गया, फिर इसी तरह ईस्ट जर्मनी के कुछ इलाके, फ्यू पार्ट्स फ्यू एरियाज, वो पोलैंड को मिल गए, सही। तो ये कुछ बड़ी टेरिटरीज जो उन्होंने लूज की यूरोप में। इससे बाद वर्ल्ड में क्या इलाके लॉस हो गए, तो सबसे ज्यादा ये अफ्रीका में अफ्रीकन कॉलोनीज, सारी कॉलोनीज जर्मनी की वो इनसे वापस चली। कोई कॉलोनी दुनिया में नहीं रही जर्मनी की, खास तौर पे अफ्रीका। फिर उसके बाद डिसआर्ममेंट, जर्मनी 1,00,000 से ज्यादा ट्रुप्स नहीं रख सकता, मैक्सिमम 1,00,000, इससे ज्यादा ट्रुप्स नहीं रख सकता, सही। कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस जर्मनी अपने लोगों से ये भी नहीं करवा सकता, जो कि बिस्मार्क ने ये आइडिया शुरू करवाया था, सही जी। किसी भी तरह के टैंक्स जर्मनी नहीं रख सकता, सही जी। किसी भी तरह की सबमरीन्स नहीं रख सकता, क्लियर। फिर डीमिलिटराइज्ड ज़ोन्स
खास तौर पे जो सबसे बड़ा डीमिलिटराइज जोन जिसको कहते हैं राइनलैंड, सही जी, कि इसमें कोई ट्रुप्स जर्मन्स की कभी भी मौजूद नहीं आएंगी इसमें, सो दैट कि जनाब सारे जो वेस्टर्न एरियाज हैं बेल्जियम फ्रांस सब सिक्योर रहे, कि उनकी बाउंड्री के साथ जो पूरी एक लंबी पट्टी है उसमें कभी कोई जर्मन ट्रुप्स नहीं आएंगे, तो जनाब ये मुकम्मल तौर पर सिक्योर है, ठीक है। फिर इसके बाद वॉर इंडेमनिटी, जुर्माना, तो ये डिसाइड हुआ जी 6,600 मिलियन पाउंड ये जुर्माना जर्मन देंगे जी, क्लियर। ये कुछ बड़े एस्पेक्ट्स इस ट्रीटी से रिलेटेड, ठीक है जी। लेकिन इस पर फिर क्रिटिसिज्म भी है जी, क्रिटिसिज्म यह है कि ये एक डिक्टेटेड पीस है जी, जर्मनी को किसी किस्म की डिस्कशन अलाउड नहीं थी, बस उन्हें तो बता दिया गया कि ये साइन कर दो आप, सही जी। और इसीलिए हम इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि जब हिटलर आया इन जर्मनी इन 1933 तो हिटलर का एजेंडा यही था कि हमारे से जो वर्साए में टेरिटरीज स्नैच की गई हैं मैं वो वापस लूंगा, और उसने ऐसा ही किया, ठीक है जी। सो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म इस पे किया जाता है कि एक डिक्टेटर स्पीच था और इसने जर्मनी में हिटलर की आने की या उसकी पॉपुलैरिटी जो है बनाने में बड़ा रोल प्ले किया। हिटलर ने इसी ट्रीटी को बेस बना के अपनी इनिशियल पॉलिटिक्स स्टार्ट की, ठीक है। सो एक तो ये बड़ा इस पर जो है वो क्रिटिसिज्म किया जाता है, सही। लेकिन साथ साथ फिर ये एक एक ही कंट्री तो नहीं है कि जिस पर जो है वो ट्रीटी के पॉइंट्स लगाए गए, दूसरे बड़ी फिर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के साथ जो एग्रीमेंट हुए उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन, सेम ईयर 1919, ये भी 1919 की है ना, जर्म ऑस्ट्रिया पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया, नो वॉर इंडेमनिटीज, क्योंकि जाहिर है कि ये इनिशिएटर नहीं है वॉर के, वॉर का इनिशिएटर तो जर्मनी है, बट टेरिटरीज बोथ ली गई ऑस्ट्रिया से, और ये टेरिटरीज लेके न्यू कंट्रीज बना दी गई, यानी चार एरियाज ऑस्ट्रिया से। आपको पता है कि सिंस ऑस्ट्रिया वॉज मल्टीनेशनल, एक मल्टीनेशनल स्टेट थी,
तो उसमें तो पहले ही हमेशा से हर दौर में इंकलाब और आजादियों की तहरीकें और ये वो, तो अलाइड फोर्सेस फाइंड इट वेरी इजी। सही, मसलन ऑस्ट्रिया के नॉर्थ के एरियाज में लेके चेकोस्लोवाकिया ये बना दिए थे, ठीक है। ऑस्ट्रिया के साउथ में बलकान के एरियाज को जोड़ के योगोस्लाविया बना दिया गया। समझ आती? फिर ऑस्ट्रिया के ईस्ट के इलाके लेके हंगरी को एक कंट्री बना दिया गया। हंगरी तो आपको याद होगा विलियम कोसथ, उसने बड़ी ज्यादा एफर्ट्स भी की थी शुरू में, याद है? और वेस्ट के एरियाज में वो ऑस्ट्रिया, छोटा सा ऑस्ट्रिया वो रहने, यानी पूरा मुल्क ही चार हिस्सों में तकसीम हो गया। अब तो ये किसी भी तरह कोई बड़ा थ्रेट पोज कर नहीं सकते, क्योंकि फ्रांस के केस में तो इलाके, सॉरी जर्मनी के केस में इलाके इधर उधर दे दिए गए थे ना जी, ठीक है। यहां तो पूरे मुल्क बना दिए गए अलग, इनको रिकग्नाइज भी कर दिया गया। और तीसरा फिर ऑटोमन्स, ऑटोमन के साथ जो ट्रीटी हुई, ये दो ट्रीटीज हैं बेसिकली। फर्स्ट ट्रीटी जो साइन हुई ऑटोमन के साथ उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ सेवरस, SEVRES, ये 1920 में हुई। सही, इन पर भी किसी तरह की वॉर इंडेमनिटीज नहीं लगाई गई, जंगी जुर्माने नहीं लगाए गए, लेकिन इनको भी टेरिटरी का लॉस बहुत ज्यादा हुआ। सही, मसलन सबसे ज्यादा जो गेन डायरेक्ट मिला वो ग्रीस को मिला, यूनान, एजियन सी, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स यूनान को मिल गए। सही जी, फिर दूसरा बड़ा फायदा इटली को हुआ, ऑटोमेंस के कई आइलैंड्स मेडिटेरेनियन में, मेडिटेरेनियन सी में वो इटली को दे दिए। फिर इसके बाद तीसरा बड़ा जो इनको नुकसान हुआ वो मिडिल ईस्ट, पूरा मिडिल ईस्ट इनसे लेके वहां पर मैंडेट सिस्टम राज कर दिया गया। मैंडेट सिस्टम ये था कि भाई आरजी तौर पर फ्रेंच और ब्रिटिश ये ऐसे एरियाज में जाएंगे, वहां पर पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। इन द मीनवाइल एक सुटेबल सॉल्यूशन के जरिए पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसी तरह हुआ,
सीरिया आज़ाद हुआ, इराक आज़ाद हुआ, लेबनान, जॉर्डन, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये सब ऑटोमन का हिस्सा होते थे। सही जी? लेकिन इन तमाम जो एक्टिविटीज हैं इसकी वजह से डोमेस्टिक प्रेशर वो बढ़ना शुरू हो गया इन टर्की, ऑटोमन को बहुत ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया। ठीक है जी, और इस प्रेशर में फिर इन्होंने रेजिस्ट किया। इनकी रेजिस्टेंस अंडर मुस्तफा कमाल अतातुर्क वो शुरू हुई। इन्होंने ग्रीस से भी अपने एरियाज वापस लिए, इन्होंने इटली से भी अपने एरियाज वापस लिए, मिडिल ईस्ट में ज्यादा नहीं घुस सके। सही थी? जितनी तेजी से इन्होंने ग्रीस और इटली से इलाके लिए तो दुनिया कंपेल हुई इनके साथ फिर सेकंड ट्रिटी करने, और सेकंड ट्रिटी को कहते हैं ट्रिटी ऑफ लुजान। ये 1923 में हुई। सो इसी ट्रिटी को आजकल बड़ा इसका मनाया जाता है ना जी, कि 1923 अगले साल 100 साल हो जाएंगे, ये 100 साल के लिए थी ट्रिटी। बाद में सारे इलाके और टर्की एक बड़ी सुपर पावर बन के मर जो है, फजूल बकवासियात। सही? तो इस दूसरी ट्रिटी के जरिए टर्की ने काफी कुछ गेन किया, बट इन पर काफी ज्यादा चेक्स भी लगाए गए, खास तौर पर ब्लैक सी में होने वाली मोबिलाइजेशंस बाय टर्क्स वो नहीं होगी अब। जी ठीक है ना। हो सो ये तीन बड़ी ट्रिटीज हमें होती नजर आती हैं तीन बड़े ओपोनेंट्स के साथ। सही जी? और इन्हीं के बारे में, इन्हीं में से एक बड़ी जो है, जब ये कहा जाता है ना ट्रिटी ऑफ वर्साय, सोड द सीड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो बिल्कुल आपने यही सारी कहानी सुनी कि ट्रिटी ऑफ वर्साई एक ट्रिटी भी है और अपने साथ इसके दो सब ट्रिटीज भी है ना जी, एक ऑस्ट्रिया की भी और एक टर्की की भी। उनका भी हवाला कि जनाब ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दाग बेल डाल दी गई थी, काफी हार्श एक्टिविटीज जर्मनी पर, जुर्माना भी लगाया और टेरिटरी भी उससे स्नैच की, और बाकी दो जगहों पर टेरिटरी स्नैच की, ताकि ये हमारे लिए आइंदा के बाद बड़ी पावर बन के हमारे लिए चैलेंज ना बने। अब ये स्ट्रैटेजी कामयाब हुई या नहीं हुई, ऑफ कोर्स फेल हुई, क्योंकि जर्मनी में हिटलर आ गया और हिटलर ने दोबारा से फिर वर्ल्ड पीस के साथ, यानी कि यूरोपियन पीस के साथ साथ वर्ल्ड पीस भी डिस्टर्ब किया। सो एक तो ये एस्पेक्ट, दूसरा फिर कि जब ये वर्ल्ड वॉर 1 हो रही है तो ड्यूरिंग वॉर रशियन रेवोल्यूशन आ गया। सही?
रशियन रेवोल्यूशन की तारीख बेसिकली 1905 से 1917 की है। वैसे तो ये इनकलाब 1917 में आया अक्टूबर के महीने में, लेकिन ये जो सोच थी रशियन कॉन्टेक्स्ट में, रशिया में, वो बहुत पुरानी। ठीक है, सो देखते हैं जी ऐसा क्या हुआ। और जो 1917 में फिर रेवोल्यूशन आया उसको लिए कहते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन। एक ही बात, अब रशियन रेवोल्यूशन कह लें, बोल्शेविक कह लें, एक ही बात। तो क्या फैक्टर्स, क्या रीजंस वो बने वजह रशियन रेवोल्यूशन की? तो चार पांच जो बड़े फैक्टर्स हिस्टोरियंस ने मेंशन किए हैं उनमें तो है पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, सही है, दूसरी बड़ी रीजन ऑटोक्रेटिक आप कह लें नेचर ऑफ किंग्स, बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक नेचर थी किंग्स की इन फ्रांस, इन सॉरी रशिया। रिफॉर्म्स के बड़े अगेंस्ट थे, तो इनएविटेबली लोगों ने खड़ा तो हो ही जाना था ना जी। फिर उसके बाद अच्छा जी, पुअर इकोनॉमिक में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, जेनेरिक है ना जी, बहुत ज्यादा माशी हालात खराब थे लोगों के। फिर उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट रीजन है इस रेवोल्यूशन का, अनकंप्रोमाइजेबल एटीट्यूड, अनकंप्रोमाइज एटीट्यूड ऑफ रूलर्स टूवर्ड्स सब्जेक्ट्स, इंतहाई अनकंप्रोमाइजेबल एटीट्यूड था रशियन रूलर्स का टूवर्ड्स देयर पीपल, सही जी। और इसी टाइम पीरियड में फिर इमीडिएट रीजन, इमीडिएट फैक्टर वो था फिर इन पूरे यानी रशियन एरियाज में वॉर में, तो 1914 से 17 तक है ना जी, तो इसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर वो तो मुतासर होना ही होना, वो तो हुआ। तो एक बड़ी जो आप कह लें इमीडिएट रीजन है रशियन रेवोल्यूशन के आने की, कि हाँ ये लोग आएंगे तो ये हो सकता है हमारे एग्रीकल्चर के इश्यूज को एड्रेस कर, सही जी। तो देखते हैं जी फिर कि क्या की डेवलपमेंट्स हुई
ये की डेवलपमेंट्स तो बुनियादी तौर पर आपको रट्टा मारना पड़ेगा और कोई हल नहीं। लास्ट किंग निकोलस टू ये 1894 में किंग बना है। से 1904 इस टाइम पीरियड में लोगों की एक्सपेक्टेशन भी थी कि निकोलस कुछ करेगा, खुद इसकी भी डिजायर थी कि रशिया में रिफॉर्म्स लाई जाए, उसको बेहतर किया जाए, सही। लेकिन पीपल का जो स्टाइल था वो बड़ा एग्रेसिव था, डेली प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस, एहतजाज कि जल्द से जल्द हमें रिफॉर्म दो, हमारे हक दो, सही जी। सो इसके कॉन्टेक्स्ट में फिर 1905 में लोग इकट्ठे हुए, लेकिन फौजों ने गोलियां चला दी। इसको कहते हैं फिर ब्लडी संडे। सो हकीकत में इस डेवलपमेंट से जहां पर आर्मी ने किंग के ऑर्डर्स पर फायरिंग कर दी अपने लोगों पर, ये एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर बन गया। लोगों में और रशियन के लिए, ठीक है जी। लेकिन ये इतना शदीद था कि एक महीने के अंदर अंदर ही 1905 में किंग वॉज कंपेल्ड टू ग्रांट अक्टूबर मैनिफेस्टो। इस अक्टूबर मैनिफेस्टो के कॉन्टेक्स्ट में एक तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सॉर्ट ऑफ वो बना दिया गया। इसमें फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट किया गया, सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट किया गया 1905 में। तो असल रेवोल्यूशन तो यहीं से शुरू हो गया था, ये ध्यान में रखिए। सो 1905 से ऑनवर्ड्स अच्छा इसमें 1904 1905 इसकी रूसो जापानीज वॉर भी एक रीजन है। इस ब्लडी संडे और अक्टूबर मैनिफेस्टो की ये फर्स्ट टाइम था कि रशिया लॉस्ट अ वॉर, फिजिकली भी, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी और पेपर पर भी। पेपर मतलब जो एग्रीमेंट हुआ। इस वॉर का बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ, इस वॉर तक एक इनफॉलिबिलिटी ऑफ रशियंस ये दुनिया में मशहूर थी कि देखें जी पीछे नेपोलियन भी आया, उससे भी पहले लोग कोशिश करते रहे, कभी जो है वो रशिया ने डिफीट नहीं मानी, लेकिन इस छोटे से आइलैंड ने रशियंस को डिफीट कर। तो ये कुछ बड़ी जो है वो वजूहत है। आप जब आए ना तो 1906 में लोगों का फेवरेट
प्राइम मिनिस्टर बन गए, सही सर जी? पूरा नाम सर जी व्हाइट। तो जनाब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, लोगों के हक में था, चाहता था रिफॉर्म्स आए लोगों के लिए, लेकिन इसकी असैसिनेशन हो गई और पीपल जो है दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि जनाब हमारा
जी जनाब, माजरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो रशियन रेवोल्यूशन कोई एक दिन की पैदावार नहीं है, यानी बाय द टाइम जब 1914 की वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो रही है, तो इस टाइम से 13 डिफरेंट ग्रुप्स, उनमें रिजेंटमेंट्स प्रेवलेंट है, मौजूद है कि भाई हमारे हकूक पूरे नहीं हो रहे, हमारे से जो प्रॉमिसेस किए गए हैं वो पूरे नहीं हो रहे। और फिर वर्ल्ड वॉर वन, ये जो 3 साल वर्ल्ड वॉर वन, इसमें काफी इश्यूज डेवलप हुए। बस ये 3 टाइम्स देवर पावरफुल देन जर्मन्स, यानी 3 गुना इनकी फौज भी ज्यादा, 3 गुना इनके पास वेपनरी भी ज्यादा, लेकिन फिर भी इशू रहे। इशू इसलिए रहे क्योंकि इनकी मोबिलाइजेशन बड़ी स्लो रही, इशू रहे कि इनके वेपन्स को बहुत ज्यादा एडवांस्ड अपने दौर के लिहाज से नहीं थे। फिर मॉडर्न वॉरफेयर के मेथड्स रशियन ने अडॉप्ट नहीं किए थे। सिर्फ 1916 में ही 1 मिलियन का ह्यूमन लॉस है जी रशियन। अब इन सारी चीजों को ये 13 डिफरेंट ग्रुप्स ये हाईलाइट भी करते रहे, इस पर पॉलिटिक्स भी करते रहे कि देखें जी हम रशियन का बेड़ा गर्क कर दें। प्रेशर इतना ज्यादा डेवलप होना शुरू हुआ कि खुद किंग निकोलस टू ये खुद वॉर फ्रंट्स पे चला गया जी वॉर लड़ने के लिए, ताकि मोराल बढ़ाए फौजियों का। ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ना तो ये आर्मी से था, समझ आ रही, ना ही इसको किसी किस्म की कोई यानी मिलिट्री ट्रेनिंग थी इसकी। तो ये लोगों को तो ठीक अप्रेस कर गया, लेकिन ये मिलिट्री जनरल्स और सोल्जर्स उनको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली, कोई इंस्पायर नहीं कर सके। और इसकी एब्सेंस जो है उसने मॉस्को में एक पॉलिटिकल वैक्यूम वो क्रिएट कर दिया जी। सही जी, सो इन हालात में फिर जब बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ, तो हम देखते हैं कि मार्च 1916 में किंग ने किंगशिप छोड़ दी, इसको एबडिकेट कर दिया गया जी, एबडिकेटेड मजूल हो गया, छोड़ दिया, और एक अबूरी सेटअप, अबूरी हुकूमत बना दी गई, जिसको कहते हैं फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट। अबूरी हुकूमत, अबूरी हुकूमत का काम था हमने वॉर से एग्जिट करना, हमने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, सही पीस एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना। बट मार्च से लेके अक्टूबर तक
ये कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि वॉर से एग्जिट करना तो किसी एग्रीमेंट के जरिए ही करना है ना, समझा रही जी? सो इन हालात में इन 13 ग्रुप्स में से, ये 13 ग्रुप्स की मिला के प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इन 13 ग्रुप्स में से एक ग्रुप ने अक्टूबर 1917 में फिर एक पूरा कू किया और उस ग्रुप को कहते हैं बोल्शेविक्स। इन्हीं की वजह से, इन्हीं का लीडर था लेनिन, कम्युनिस्ट ग्रुप था ये। तो अक्टूबर 17 में इनका इनकलाब आ गया। लेकिन हिस्टोरिकली ये 1905 से ही रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका हुआ था, सही? तो उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है कि हकीकत में इस रेवोल्यूशन के दो बड़ी रीजन है, जो रीजन हमने देखी है वो तो है ही है, लेकिन दो बड़ी रीजन, एक तो है इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, नो डाउट, ये तो बच्चों वाला पॉइंट, दूसरा जो बड़ा पॉइंट है वो है फ्रेंच फैक्टर। 1888 से फ्रांस एंड रशिया के रिलेशंस बेहतर होते जा रहे थे और इस कनेक्शन की वजह से हमें फ्रेंच वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज वो रशिया में आती नजर आ रही थी। ट्रैवल ऑफ आइडिया होता जा रहा था, गो के फ्रांस में कोई कम्युनिज्म तो नहीं था, लेकिन हाउ टू रेज वॉइस अगेंस्ट वायलेशंस इन फेवर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, ये आवाजें कैसे बुलंद करनी, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये फ्रेंच वैल्यू ये रशियन सोसाइटी में स्लोली एंड ग्रेजुअली आना शुरू हो गई थी। फ्रेंच असिस्टेंस से ही आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी बहुत शुरू हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन से थोड़ी बहुत आपकी लेबर डेवलप होना शुरू हुई, फिर एक मिडिल क्लास बननी शुरू हुई और इस मिडिल क्लास ने भी फिर सवाल उठाने शुरू कर। सो ये दो बड़े फैक्टर्स के जिन्होंने रशिया में रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से। अब जब ये रेवोल्यूशन आ गया बोल्शेविक्स का, तो इमीडिएट तो इनका एक पर्पस था कि हाउ टू एंड वॉर, वॉर कैसे एंड करें। उसके लिए उन्होंने 1918 में जर्मनी के साथ एग्रीमेंट किया जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क। इसके तनाजुर में इसने काफी एरियाज सरेंडर किए अपने इन फेवर ऑफ जर्मनी, जिस पर काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन लेनिन ये समझता था जो इमीडिएटली इसका पहला साल था, उसका ये ख्याल था कि हमें वॉर से बाहर निकलना, बस अगर थोड़े से इलाके हमें सेक्रीफाइस भी करने पड़े वॉर से। क्यों निकले वॉर से? क्योंकि दूसरा बड़ा इश्यू था कि 1918 में रशियन सोसाइटी वो टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी और एक सिविल वॉर की फिजा बननी शुरू हो गई थी। कौन से टू ग्रुप्स?
इन टू ग्रुप्स को कहते हैं रेड्स वर्सेस वाइट्स। रेड्स वो कि जो कम्युनिस्ट अंडर लेनिन, और वाइट्स वो जो किंग के सपोर्टर्स। तो जब इन्होंने 1918 में ही जुलाई के महीने में किंग को असैसिनेट किया, तो हमें देखते हैं कि वो सिविल वॉर इरप्ट होगी। तो जनाब हमें कंसोलिडेशन करनी, और उस कंसोलिडेशन के लिए हमें फिर ये इन इश्यूज में नहीं पढ़ना कि थोड़ा बहुत इलाका गायब हो गया हमारा, कम हो गया हमारा, ठीक है जी। सो ये बहुत बड़ा इमीडिएटली, तो ये वो फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से इनको जंग से भी निकलना और अपने आप को सिक्योर करना, जो इन्होंने किया 1918 से 20 की सिविल वॉर, जिसको इन्होंने क्रश किया। इस सिविल वॉर को जब इन्होंने क्रश किया, जिसमें वाइट्स को यूके से भी सपोर्ट मिल रही थी, ठीक है जी, फ्रांस से भी सपोर्ट मिलनी शुरू होगी, यूएस से भी, क्यों? क्योंकि इन तमाम कंट्रीज को ये ग्रज था कि व्हाई डिड रशिया लीव वॉर, क्यों छोड़ी वॉर? अच्छा भला हम जर्मन्स को ट्रैप कर चुके थे, जर्मन सरेंडर करने के करीब थे, तो एक तो ये रीजन, प्लस रशिया में अब एक अल्टरनेटिव मॉडल आ गया जी, जो कि एंटी कैपिटलिस्ट है, सही जी? लिहाजा इस सिविल वॉर में इन्होंने कोशिश की कि इस एंटी कैपिटलिस्ट ग्रुप को डिफीट किया जाए। बट हाउएवर रेड्स मैनेज्ड टू डिफीट वाइट्स, और इससे साबित हो गया इन 1920-21 कि रशिया अंडर कम्युनिज्म इज ए रियलिटी, एक हकीकत है। तो उसको उसके अकॉर्डिंगली एड्रेस किया जाए। अब आगे फिर ये जो इंटरवॉर पीरियड है 1919 से 1939, इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तीन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें लीग ऑफ नेशंस बनी, कैसे बनी, क्यों फेल हो गई, एक तो वो इंपॉर्टेंट है, सही जी? दूसरी फिर आप देखते हैं कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, वो इंपॉर्टेंट, इसी में फिर अपीजमेंट और जितनी भी पॉलिसीज, और तीसरा है डिक्टेटर्स इन यूरोप। ये दो सवाल हैं ऐसे कि जो हमें पास्ट पेपर्स में रिपीट होते नजर आ रहे हैं, हल्के फुल्के आते नजर। ऑल्सो वर्ल्ड वॉर टू तो आसान काम है, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं, लेकिन एनीवेज हमने तो इन सबको देखना, क्योंकि कोई पता नहीं वो क्या सवाल पूछे। अब ऐसा है कि 8, 9, 10 इसको क्लास नहीं होगी, अब आपके साथ जो नेक्स्ट क्लास है वो 15th को होगी यूरोपियन हिस्ट्री की, ये ध्यान में रखिएगा जी। ये जो पोर्शन है इसके लिए आपको एक किताब तो इयान केरशॉ की
दो किताबें इयान कर्शा की मैंने आपको शुरू में व्हाट्सएप कर दी थी, हेल एंड बैक और दूसरी रोलर कोस्टर। हेल एंड बैक जाहिर है ये वर्ल्ड वॉर वन फिर वर्ल्ड वॉर टू तक की डेवलपमेंट्स पे, और ये 1945 से आगे की डेवलपमेंट्स पे। लेकिन अगर कोई समझता है कि इयान कर्शा मुश्किल है तो कोई भी टेक्स्ट बुक ले ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं, कोई भी टेक्स्ट बुक वो ले सकता है, किसी किस्म का मुझे कोई इतराज़ नहीं, हर तरह की टेक्स्ट बुक में मौजूद नहीं चाहिए। लेकिन मेरा फायदा ये हो जाता है कि जिस तरह ये क्रिटिकल एनालिसिस में हमने पॉइंट किया था ना जी, ये वाला कहाँ गया, ये फ्रेंच फैक्टर, ये अब आपको टेक्स्ट बुक्स पे नहीं मिलता ना। ये कर्शा इसको बड़ा प्यार प्यारे तरीके से इसको एलैबोरेट करता है। मर्जी आपकी, आगे मैं तो नहीं कुछ कह सकते। जी जनाब बिल्कुल, कोटेशन अगर कोई रखना चाहता है तो बिल्कुल रखे, कोई ऐसी इश्यू कोई बात नहीं, होनी भी चाहिए। और किसी का कोई इश्यू कोई सवाल जी? आपको टेक्स्ट किया है, 1 वीक हो गया है? नहीं, कई मिस भी हो जाते हैं यार, जिस तरह आप देखे ना, आज मैंने अपने सेशन का व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपनी सारी लिस्ट को मैसेज किए, तो वो कुछ 100 से ज़्यादा तो ग्रुप्स हैं, तो वो जो नीचे रह गए वो नहीं देखे जाते फिर मेरे से। हाँ तो दोबारा कर दे भाई, भाई दोबारा कर दे मैसेज ना। नेक्स्ट सेशन जो है वो मेरा ख्याल है जाके सितंबर में अगर हुआ तो हुआ, क्योंकि 50 आइडियाज़ मैं पढ़ा चुका हूँ और 50 आइडियाज़ रह गई, तो अब वो मैंने 50 दोबारा रिपीट तो को नहीं करनी, तो जिन्होंने रिमेनिंग 50 पढ़ने हैं बिस्मिल्लाह जिसने आना आज। नीलम मीर साहबा कह रही है एक दिन क्वेश्चन पूछने का डे रखें प्लीज़, 24 घंटे मेरा व्हाट्सएप ओपन रहता है, मैसेज का तो कोई चांस है, रिप्लाई हो गया तो हो गया, तो आप कॉल कर लें जनाब, कॉल करके अपना सवाल पूछ लें, जरूरी है कि जो आपने क्लास के अंदर ही पूछना है सवाल के एक दिन पूरा रखें, अभी है ना टाइम, अभी पूछ लें। मैं सूबों के पीएमएस के पेपर्स पे कमेंट नहीं करता जी, मैं अपना सिलेबस पढ़ाता हूँ, मैं सुबह के पीएमएस पे कमेंट नहीं करता। मेरे से पढ़ के स्टूडेंट पीएमएस के पेपर भी दे रहे होते हैं, सीएसएस के भी दे रहे होते हैं, मैं सुबह के पेपर्स पे कमेंट नहीं करता। जी बिल्कुल करनी चाहिए, अगर उन्होंने सिलेबस में नहीं मेंशन की हुई बलोचिस्तान में के पेपर में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप थ्योरीज अप्लाई नहीं करेंगे।
आप तो इवन वहां पे अगर आप आईआर के पेपर में कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन लिख रहे हैं तो आपने उसको हिस्ट्री का पेपर तो नहीं बनाना, आपने थ्योरी के पर्सपेक्टिव में लिखा। विदाउट थ्योरी तो आईआर की एग्जिस्टेंस ही नहीं है किसी भी तरह। नीलम साहिबा, मियाबियो नाम का बंदा कौन ही है? अगर तो मियाबियो नाम का बंदा है ना, कोई मैराबो नाम का है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे था, जो पहला डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ओ सॉरी, जो सिटीजन का राइट वाला था, वो मैराबो और जेफरसन ने मिलके बनाया। हाँ जी, हाँ जी, हेनरी नो के मेथड से बिल्कुल ऐसे। हाँ, मेरा ख्याल है यही नाम था। डेंटन के डिफरेंसेस दोबारा होना शुरू हो गए थे रॉक्सपियर के साथ, हालांकि दोस्त था उसका, लेकिन डिफरेंसेस डेवलप होना शुरू हो गए। बाबर अली साहब, कोई मैसेज नहीं आया आपका, मेरा कहा तो आपने था। वाई नेपोलियन अटैक इजिप्ट, सप्लाई लाइंस ब्रिटिश की जो है वो कट हो जाएंगी सारी, जो रिसोर्सेज आते हैं सारे कॉलोनीज से, वो चेक में आ जाएंगे। अगर ये आपके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आप कह रही थी कि एक दिन होना चाहिए, तो मेरा बेटा एक दिन के लिए गूगल पे बैठ जा। अगर ये सवाल उस्ताद से करने हैं कि व्हाई डेंटन वाज किल्ड, व्हाई नेपोलियन अटैक्ड इजिप्ट, वेरी गुड क्वेश्चंस। हाँ जी, और किसी का कोई इश्यू, कोई सवाल? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का डायरेक्टली तो ताल्लुक नहीं है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बहुत लेट स्टेज में रशिया तक पहुंचा है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री हल्की फुल्की डेवलप तो होना शुरू हो गई थी। नहीं, बेसिक्स वीक नहीं है आपकी, आप वैसे वीक हैं।
उसमें डेविड थॉमसन में पूरा चैप्टर आपको मिलेगा फोर्सेस ऑफ चेंज के नाम से, उसमें ये सारे जो है वो मौजूद है। मैंने भी करवानी है ये, मैं एक दफ़ा ये सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरी कर लूँ, उसके बाद मैंने ये एक लेक्चर जो है वो में सारों की कनेक्टिविटी एक डेवलप होती है। फोर्सेस ऑफ चेंज के नाम से चैप्टर है डेविड थॉमसन में, उसमें रिजवी साहब ये सारे मौजूद हैं। कॉलोनियलिज्म नहीं है ना, ये कॉलोनियलाइजेशन जितनी हुई वो उसको नहीं, बाकी सारे उस फोर्सेस ऑफ चेंज वाले चैप्टर में मौजूद है। यानी कॉलोनाइजेशन आगे फर्दर चैप्टर्स में आता है। फिर मैं कॉलोनाइजेशन को फिर डी कॉलोनाइजेशन के साथ मिला के लेक्चर देता हूँ, यानी जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद डी कॉलोनाइजेशन हुई, पहले कॉलोनाइजेशन कैसे हुई, फिर डी कॉलोनाइजेशन कैसे हुई, वो मैं मिला देता हूँ। ओके जी, आई गेस नो मोर क्वेश्चंस, टेक केयर, ईद के बाद मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।